लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर एक पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स डिस्कस किए थे। हम एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो पोजीशन आइसोमर्स थे, इसके अंदर कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो होता था या कोई एक एलिमेंट किसी कार्बन की चेन के ऊपर इस तरीके से अटैच्ड होता था कि जो बेसिक स्केलेटन है कार्बन का वो चेंज नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है तो ये ब्यूटेन की जो बेसिक चेन है ये ब्यूटेन ही रहेगी, सिर्फ ये फर्क पड़ जाएगा कि इसमें जो अगर हेलो ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ था, या अगर हेलो ग्रुप को आप यहाँ पे ना लगाओ कहीं और पे लगा दो, अगर आप इसमें मिड पे वाले कार्बन एटम पे लगा दो, तो ये दो अलग किस्म के पोजीशन आइसोमर्स एक दूसरे के कहलाएंगे, क्योंकि इसमें पोजीशंस डिफरेंट हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें बेसिक स्केलेटन, बेसिक कार्बन स्केलेटन जो होता है वो सेम रहता है स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने चेन आइसोमर्स के बारे में बात की थी। चेन आइसोमर्स जो थे वो ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें जो कार्बन की जो चेन है वो चेंज हो जाती थी, यानी जो स्केलेटल फार्मूला है वो बदल जाता था। ठीक है, इसमें ऐसे होता था कि अगर आपके पास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर आप मेथेन की बात कर रहे हो या आप एथेन की बात कर रहे हो या आप प्रोपेन की बात कर रहे हो, तो इनके हमने बात की थी कि आइसोमर्स आप नहीं बना सकते चेन आइसोमर्स। अलबत्त अगर आप ब्यूटेन की बात कर रहे हो तो इसके दो आइसोमर्स बनते हैं। पेंटेन के हमने बना के देखे थे कि देवर थ्री आइसोमर्स, और हेक्सेन के वी सॉ के देवर फाइव चेन आइसोमर्स जो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा टेक इट एज योर टास्क कि अगर आप हेप्टेन के बनाना चाहो, इफ़ देर आर टोटल सेवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो हाउ मैनी आर द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपके पास आठ कार्बन एटम्स हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को एक लाइन में जोड़ो और 8th को यहाँ पे लगा दो, या फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को एक लाइन में जोड़ो, 8th को यहाँ पे लगा दो, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को एक लाइन में रखो, 8th को यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इसके अलावा आप 6-6 की लाइन्स जो अगर जोड़ना शुरू करोगे, आप 6 को एक लाइन में जोड़ो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आपने दो अलग करके लगाने हैं। अब दो आपने इकट्ठे नहीं लगाने, लेकिन क्योंकि उससे फिर वो चेन चेंज हो जाएगी, अगर आप दो जो हो हैं वो इस तरीके से लगाओ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो आप इस तरीके से लगाओ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप दो इस तरीके से लगाओ, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। सो यू सी यू हैव डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी तक तो मैंने सिर्फ 6 की एक चेन रखी है, अगर आप 5 की अब चेन रखो तो फिर मज़ीद आपके पास और कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, 4, 5, अब आपने 3 लगाने हैं, सो आप यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे लगा सकते हो, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, एंड सो ऑन। आप मजीद बहुत सारे किस्म के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जिस भी मैंने पहले इवन 6 के साथ भी जब मैंने बनाए थे 3, 4, 5, 6, तो दो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे कि इस पे और इस पे आप दो लगा देते, ठीक है, या आप यूं कर सकते थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दो आप इन दो पे लगा सकते थे, या अगर आप इस वाले पे बिल्कुल सेंटर वाले पे, अगर इस वाले पे लगाओगे तो वो तो एग्जैक्टली दोबारा यही वाली बात हो जाएगी। सो यू सी, अभी तो मैंने थोड़े से बनाए हैं और कितने हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अभी तो मजीद बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि अभी अपने 5 की कार्बन चेन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना शुरू की, 5 में भी और बहुत सारे बनेंगे, सो 10 से भी ज़्यादा बनेंगे। अभी हमने ऑक्टेन की बात की है, और अगर आप डेकेन के ऊपर चले जाओ तो ऑलमोस्ट आप 40-50 बना लोगे, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे अगर जाते जाओ ना तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप बहुत सारे चेन आइसोमर्स बना सकते हो। रूल आप यूं रखा करो कि सबको पहले एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ो, फिर एक एक कार्बन कम करके उसको साइड्स पे लगा के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करो। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट फंक्शनल आइसोमर्स। फर्स्ट, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको आइडिया होगा, इस चैप्टर के पीछे हमने एक लेक्चर किया था फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। हमने देखा था कि इट इज़ अ सेट ऑफ एटम्स जो किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लगा हुआ होता है, या इट कुड बी बॉन्ड, ठीक है, जो
फंक्शन डिटरमिन करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का. फॉर एग्जांपल वी सेड कि इफ़ यू हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स देन दिस डबल बॉन्ड एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप. या हमने ये बात की थी कि इफ सी डबल बॉन्ड ओ इज एक्टिंग इन बिटवीन टू कार्बन चेन्स देन द सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ कीटोन. एंड अगर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है इसके एक तरफ एच लगा हुआ हो और दूसरी तरफ कार्बन चेन हो तो ऐसा कंपाउंड एक एल्डिहाइड कहलाता है. नाउ दिस कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ वॉज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, एंड इससे आप मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हो. फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये फिनोमेना होता है कि आपके पास कोई एक सेट ऑफ एटम्स है उसकी लोकेशन चेंज करने से अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके पास फॉर्म हो जाए या एक डिफरेंट होमोलोगस सीरीज आपके पास आ जाए. यू नो कि जब हमने कार्बन 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 एंड कार्बन यहाँ पे जब मैंने एक OH लगाया था और फिर जब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे एक OH लगाया था या जब मैंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे एक OH लगाया था, यू नो ये जो तीनों थे ये तीनों अल्कोहल्स ही थे. यानी फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने की लोकेशन चेंज करने से कंपाउंड बदल नहीं गया था, ये तीनों अल्कोहल्स ही थे और ये तीनों आपस में हमने कहा था कि पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है. बट अगर ऐसा हो रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और अब आपने किसी एक को सी डबल बॉन्ड ओ करना है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस वाले को सी डबल बॉन्ड ओ कर दो, बाकी सारों पे आप हाइड्रोजन्स पुट कर दो. या आप एक ये पॉसिबिलिटी कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस वाले पे डबल बॉन्ड ओ कर दो या किसी और पे डबल बॉन्ड ओ कर दो. अब अगर वो आप कर रहे हो तो कंपाउंड तो ओवरऑल वही रहेगा ना. अलबत्ता अगर आप ऐसा करो कि कॉर्नर वाले कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड ओ कर दो तो अब ये जो कंपाउंड है दिस इज एन एल्डिहाइड एंड ये जो ऊपर बना हुआ था दिस वॉज अ कीटोन. यानी कार्बोनाइल ग्रुप की लोकेशन चेंज करके आपने फंक्शनल ग्रुप ही ओवरऑल चेंज कर दिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स का सेम है अभी भी. सो ऐसे आइसोमरिज्म की टाइप को हम बोलते हैं दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. अगर आपके पास ये कंपाउंड है, चार कार्बन हैं, साइड पे एक ओ लगा हुआ है और फिर एक एच लगा हुआ है, यानी एक कॉर्नर वाले के ऊपर ओ एच लगा हुआ है और ऊपर नीचे बाकी सारों के ऊपर आप एच लगा दो. अगर आपको बोला जाए कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो व्हाट इज इट, सी फोर, एच कितने हैं, चार ऊपर चार नीचे दो साइडों पे 10 और ऑक्सीजन एक है. सी फोर एच टेन ओ इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड. अब अगर मैं ये करूं कि ये जो ऑक्सीजन है ये इधर लगा हुआ है ना बीच में करके, आप इसको H के साथ जोड़ दो और ऑक्सीजन जो है उसको उठा के इधर दरमियान पे कहीं पे लगा दो. ठीक है, ये CH जो है इसको थोड़ा साइड पे कर दो, C ऊपर नीचे H, और वो जो ऑक्सीजन उस C और H के दरमियान था उसको C और C के दरमियान लगा दो. अब ओवरऑल अगर इस नए कंपाउंड का आप फॉर्मूला देखो तो वो भी वही होगा, सी फोर H10 एंड O, क्योंकि आपने एटम्स तो वही रखे हैं सारे, आपने सिर्फ ऑक्सीजन की लोकेशन चेंज की है. अब इसको मैं पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं कहूंगा. जो पहले कंपाउंड बना हुआ था वो क्या था, चार कार्बन्स थे, साइडों पे एक OH लगा हुआ था, बाकी सारे हाइड्रोजन्स थे. दिस वाज एन अल्कोहल एज यू रिमेंबर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. लेकिन जो ऊपर कंपाउंड बना हुआ है दिस इज नो मोर एन अल्कोहल, दिस इज एन ईथर. ये एक ईथर बन गया और नीचे वाला कंपाउंड जो है दिस इज एन अल्कोहल. सो दैट एक्चुअली मींस के अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दीज टू कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली यू कुड हैव अदर पॉसिबिलिटीज, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इफ यू हैव कार्बोनाइल ग्रुप एट द कॉर्नर ऑफ कार्बन चेन, ऐसे कंपाउंड को आप एल्डिहाइड बोलते हो. एंड इफ यू हैव अ कार्बोनाइल ग्रुप इन द सेंटर ऑफ द कार्बन चेन समवेयर, ऐसे कंपाउंड को आप कीटोन बोलते हो. ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स बन गई हैं, दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बन गई हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल आइसोमरिज्म. अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फंक्शनल ग्रुप्स टॉपिक, कार्बोनाइल और ओ ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के कॉर्नर पे लगा हुआ हो, पीछे इसकी कार्बन दो कार्बन की लिट से चेन है, तो यहाँ पे फिर आपको एच लगाना पड़ेगा चेन खत्म करने के लिए और बाकी भी सारे आपको एच लगाने पड़ेंगे. डू यू नो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किस चीज का फॉर्मूला है, दिस इज प्रोपनोइक
एसिड विच इज बेसिकली अ कार्बोक्सिलिक एसिड, यू रिमेम्बर प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेन से निकला है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेन के आगे मैंने ओइक एसिड लिख दिया, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। बट अगर मैं इसी कंपाउंड में ये जो सी ओ ओ लगा हुआ है इसको कॉर्नर पे ना रखूं बल्कि इसको मैं रखूं दरमियान में, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इसके एक तरफ में सी और दूसरी तरफ भी सी और बाकी सारे आप अगर हाइड्रोजन आप लगा दो 1, 2, 3 and 1, 2 and 3। अब ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ यू सी इट इज C3H, कितने 1, 2, 3, 4, 5 and 6 H6 एंड ऑक्सीजन कितने 2 O2 C3H6O2। और अगर नीचे वाले पे आप देखो सी कार्बन कितने 3, 1, 2 and 3, ऑक्सीजन कितने 2 एंड हाइड्रोजन कितने 6। तो ये अगेन देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, बट द थिंग इज कि ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है दिस इज एन एस्टर। अगर आप रिकॉल करो हमने पढ़ा था ना कि एस्टर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ सी ओ टू ये दरमियान में लगा हुआ होता है स्ट्रक्चर के। सो अगेन यू हैव फॉर्म्ड टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, एक एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मुख्तलिफ लोकेशन पे होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। फंक्शनल आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म का डिफरेंस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ये मत समझना कि मैंने CO2 की पोजीशन चेंज कर दी है तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। नो, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स के अंदर इफ यू रिकॉल हमने एक चीज बात की, हमने क्या बात की थी पोजीशन आइसोमरिज्म में, एक मखसूस बात हुई थी। क्या बात हुई थी अगर आप ऊपर यहाँ पे देखो जहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया, पोजीशन आइसोमरिज्म में बेसिक कार्बन स्केलेटन स्टेज द सेम, ये हमने डिस्कस किया था ना। अब आप मुझे ये बताओ ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ इनके अंदर बेसिक कार्बन स्केलेटन सेम है? ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनका कार्बन का स्केलेटन अगर मैं बनाऊँ, इस ऊपर वाले का कार्बन स्केलेटन क्या है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, तीसरा कार्बन और तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके साइड पे एक OH, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। और अगर इस नीचे वाले का आप स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहो तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरे नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन से आगे यूं करके एक और कार्बन, और ये जो ये वाला कार्बन था, ये जो दूसरा वाला कार्बन, दिस इज डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम स्केलेटल फार्मूलाज हैं? नो, दे आर नॉट सेम स्केलेटल फार्मूलाज। चूंकि स्केलेटल फार्मूलाज दोनों के डिफरेंट हैं आपस में, बेसिक कार्बन की जो चेन है वो ही बदल गई है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो है ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है एक दूसरे के। जो फाइनली जो दो टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की उनमें एक है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म ये होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे भी तो कार्बन की चेन्स होती हैं ना, अगर फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ और दूसरी तरफ जो कार्बन की चेन्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर आप चेंज कर दो, मसलन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल एक ग्रुप है, किसी कंपाउंड के दरमियान में लगा हुआ है 3, 4 और इधर एक, अब आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हैं और दूसरे नंबर पर आपने कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ये कंपाउंड और एक और कंपाउंड ऐसा हो सकता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप में टोटल कार्बोनाइल के साइडों पे 1, 2, 3, 4, 5 लगे हुए ना कार्बन, तो इसमें आप दो एक तरफ लगा दो और तीन एक तरफ लगा दो, ठीक है। सो नाउ दिस इज वंस अगेन अनदर कंपाउंड। अगर मैं ऐसा करूं कि कार्बोनाइल को बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दूं और इस वाले को उसके साथ देखूं तो ये तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे ना, बट ये जो दोनों अभी मैंने बनाए हैं ये हैं दोनों कीटोन्स ही, यानी सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कोई कंपाउंड चेंज नहीं हो गया, कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं बन गई, बट ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होगा। वी वुड कॉल इट मेटामर्स ऑफ ईच अदर। मेटामर्स की डेफिनेशन ये होती है दे हैव अनइक्वल नंबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बहुत सिंपल सी ये बात है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साइडों पे मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से
मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं। मसलन इसमें फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे एक तरफ एक और एक तरफ चार, और इसमें फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे एक तरफ दो और एक तरफ तीन कार्बन्स की चेन की वजह से ये दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसका IUPAC अगर मैं नेम आपको बताऊँ, सो दिस इज़ 2-hexanone, और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है इसका IUPAC नेम इज़ 3-hexanone। ये दोनों जो हैं ये कीटोन्स ही हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है वो ऑपोजिट साइड पे दोनों के डिफरेंट हैं। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ना तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म है, क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म में आई टोल्ड यू कि स्केलेटल फार्मूला सेम रहता है। इस वाले कंपाउंड का अगर मैं स्केलेटल फार्मूला बनाऊँ, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम्स, और ये जो दूसरा कार्बन एटम है इसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर इसमें तीसरे वाले का बनाऊं, सो इस वाले का अगर मैं स्केलेटल फार्मूला बनाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सो दीज टू आर नॉट पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज दिस कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप इट इज एट अ डिफरेंट लोकेशन। पोजिशन हालांकि उसकी डिफरेंट है, लेकिन उसकी वजह से पूरा स्केलेटन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वी वुड कॉल कि ये दोनों एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर्स नहीं हैं, बल्कि मेटामर्स हैं ये दोनों आपस में। अनदर देयर कुड बी मैनी एग्जाम्पल्स, मसलन आपने जो ईथर्स पढ़े हैं, ईथर्स में ऑक्सीजन दरमियान में लगा हुआ होता है, साइडों पे दो कार्बन्स की चेन्स होती हैं। अगर एक तरफ दो कार्बन्स की चेन है, एक तरफ एक कार्बन की चेन है, सो हम ऐसे ईथर को बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर। एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। या अगर मैं यूं करूं कि टोटल मेरे पास फर्ज करो कि चार कार्बन्स लगाने हैं मैंने साइडों पे, तो आप एक तरफ एक और एक तरफ तीन लगा दो, तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। लेट मी राइट इट, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और अब मैं दूसरा ये करता हूँ कि ऑक्सीजन को मैं दरमियान में ही रखता हूँ, लेकिन दोनों तरफ में दो दो कार्बन लगा देता हूँ। अब ये जो कंपाउंड बन गया, दिस इज वंस अगेन एंड ईथर, सेम फैमिली से, फंक्शनल आइसोमर नहीं है इस दूसरे का, लेकिन जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की दोनों साइडों पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है। सो दिस इज बेसिकली इथाइल इथाइल ईथर, या वुड कॉल इट डाईथाइल ईथर, ठीक है। सो दीज टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। द फाइनल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज द टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म। दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो मैकेनिज्म के अंदर अमूमन आप इस्तेमाल किया करोगे। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ये है कि यू हैव एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम होता है, ठीक है, उसके एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, उसके एक तरफ कोई और कार्बन की चेन होती है, उसको आप R कह लो, उसके एक तरफ अमीन ग्रुप लगा हुआ होता है या अमीनो ग्रुप जिसको हमने बोला था NH2, और एक तरफ उसके हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। आई वंस अगेन रिपीट, अमीनो एसिड इज अ टाइप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच यू हैव अ कार्बन एटम जिसके एक तरफ कार्बोक्सिल, एक तरफ अमीनो, एक तरफ सिंपल कोई भी चेन, और एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन अमीनो एसिड लुक्स लाइक। अब अमीनो एसिड में यह होता है कि सिंस दिस इज एन एसिड, तो एसिड की क्या टेंडेंसी होती है कि इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, डोनेट्स अ प्रोटॉन। हर एसिड की कोशिश होती है कि वो एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन जो है उसको वो डोनेट कर दे, और हर बेस की कोशिश होती है कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज़ों को हम बेस कहते हैं, और एसिड हम कहते हैं जो चीज़ें प्रोटॉन डोनेट करती हों। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन में वैसे देयर इज अ सिंपल न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन होता है और साइडों पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो H+ बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एक प्रोटॉन। तो H+ जो है, अगर ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए विद इन द कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक एसिड है, एसिड्स के अंदर COOH होता है, अगर यहाँ से ये H अलग हो जाए तो यहाँ पे ये O- हो जाएगा और H+ यहाँ से अलग हो गया। और नाउ नाइट्रोजन, इफ यू सी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। इसने तीन तो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर, इसका मतलब है कि देर इज स्टिल अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, इस वाले प्रोटॉन को, और इस प्रोटॉन को अपने साथ ये नाइट्रोजन बॉन्ड कर लेगा, ठीक है। पहले इसके साथ
दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक तीसरा हाइड्रोजन भी आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वजह से। ठीक है, ये जो अभी इन्होंने नया कंपाउंड बनाया है दिस इज कॉल्ड अ ज्विटर आयन ऑफ एन अमीनो एसिड। ठीक है, वी वुड टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का जो एंड है दैट इज ऑल रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स, हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे इस टॉपिक को। बट ज्विटरनाइन एंड अ सिंपल अमीनो एसिड दे टू आर टोटमर्स ऑफ ईच अदर एंड टोटमराइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें कंपाउंड के अंदर ही किसी एक जगह से प्रोटॉन हट के किसी दूसरी जगह जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, या प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है विद इन द कंपाउंड बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर या बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। हमने जो भी पढ़ा है मैं इसकी आपको जल्दी से समरी बता देता हूँ। पोजीशन आइसोमर्स में हमने देखा था कि स्केलेटल फार्मूला स्टेज द सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा देयर वाज चेन आइसोमरिज्म जिसमें आप मुख्तलिफ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। ठीक है, एंड इसमें स्केलेटल फार्मूला चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में देयर इज अ सेट ऑफ एटम्स जिसको आप मुख्तलिफ लोकेशन पर लगा के डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स जनरेट कराते हो विद अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल aldehydes and ketones are functional isomers of each other. Metamerism mein you have different distribution of carbon atoms, yeah, different distribution of alkyl chains on either side of a functional group. And tautomerism mein a proton shifts from within the compound to another location and a new compound and or an ion is generated, which is called, these two are called tautomers of each other. This is it for this lecture. हमने structural isomerism जो है ये topic complete कर लिया है। In the next lecture we would talk about stereoisomerism and its types.